दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, यानी छुट्टियों का दिन। छुट्टियों के दिन में नया साल और नई उमंग, नई पिकनिक स्पॉट की तलाश हो रही है। हमारे साथ झारखंड के पर्यटन मंत्री जी हैं हफीजुल जी। आपने क्या तैयारी कर रखी है जब अब छुट्टियों का समय शुरू हो रहा है पर्यटक को लुभाने के लिए? अभी जहाँ भी पर्यटन स्थल है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और रोड का के लिए, यातायात के लिए हम पिछले दो दिन पहले ही बैठक किए हैं और अपने विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी पर्यटन स्थल है, खासकर कि जहाँ झील है, झरना है, जहाँ घटनाएं होती है, उस जगह हम लोग सिक्योरिटी दें और वैसे घटना नहीं घटे। कहीं कहीं हम लोग को बैरिकेटिंग करना है, उस पर भी हम लोग जिला प्रशासन को और अपने विभाग को बोले हैं कि उसमें आप लोग तैयारी कीजिए। जो राज्य के बाहर के टूरिस्ट है, खासकर बंगाल से बहुत टूरिस्ट आते हैं हमारे झारखंड में, उनको आप क्या कहेंगे कि आप आए तो कौन कौन से जगह घूमें? क्या उनको दिलासा दे पाएंगे? क्योंकि जो अभी लगातार इनकाउंटर की खबरें, नक्सली घटनाओं की खबरें चल रही है, तो कई लोग भयभीत हो गए। अभी देखिए, कहीं कहीं तो घटना हुई है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जैसे पतरातू है, वहाँ आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा वहाँ इंतजाम भी है। अभी दो दो होटल, तीन तीन होटल खुल गया है और नेतरहाट का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप दशम फॉल जा सकते हैं, हुंडरू फॉल जा सकते हैं, ये सब जगह बहुत अच्छा है। फिर जमशेदपुर में भी आप चांडिल डैम है, वहाँ घूम सकते हैं। क्या विभाग ने अपने तरफ से तैयारी ऐसा कुछ कर रखा है कि जो आदमी रांची प्लेटफॉर्म पे उतरे या एयरपोर्ट पे उतरे, उसको पता हो जाए कि राज्य में ये जगह घूमने लायक है, यहाँ से यहाँ का ये कनेक्टिविटी है, इस तरीके का कुछ आपने लगा? आजकल गूगल और के ज़माने में लोग को अब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा चीज़ पता कर लेते हैं कि कहाँ अगर हमको कहीं जाना है तो हम को उस जगह से कहाँ बढ़िया है। कोई स्टेट अगर जाते हैं तो आप देखते ही होंगे, अभी आज के डेट में कोई होटल भी जाते हैं तो होटल तलाश करते हैं तो तुरंत आप अपना जो शहर का होटल का सर्च करते हैं उसी तरह पता चल जाता है, उसी तरह पर्यटन स्थल का भी पता वैसे चल जाता है। आपने ऊर्जा विभाग से बात की है, क्योंकि कई होटल इंडस्ट्री वाले बिजली की समस्या से जूझ रहे, कह रहे वो जनरेटर चलाना पड़ रहा है, काफ़ी इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, तो टूरिस्ट को परेशानी ना हो, होटल इंडस्ट्री वाले को परेशानी ना हो बिजली को लेकर? आज ही हम लोग बिजली के लिए 268 करोड़ रुपया DVC को दिए हैं, बकाया तो है, उसी में हम लोग आज उसको पेमेंट किए, बिजली ठीक रहेगा। एक आखिरी सवाल, कितना पैसा का आप रेवेन्यू सोच रहे हैं कि इस बार जनवरी या फरवरी तक आपके पास आएगा टूरिज्म की वजह से? एक एस्टीमेट कोई लमसम? उन्होंने वैसा कोई एस्टीमेट नहीं है। तो आप मतलब टूरिस्ट को ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप आइए घूमिए, आप खुशी खुशी आएंगे और खुशी खुशी जाएंगे? जी जी, उसमें कोई दो मत नहीं है। और हम लोग फ्यूचर में, इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि और व्यवस्था हम लोग यहाँ करें, जिससे कि पर्यटक क्षेत्र का बढ़ावा हो, पर्यटन यहाँ आए, ये काम करें। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलोंग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in.